Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you all are fine. Yes, my lovely students, you are taking care of your health or not? Now the winter season is going on, so take more care of your health, na? अभी ठंडी का मौसम है, आपको ज़्यादा अपने health की care करनी है, और अब आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना, क्योंकि now in the month of January, might be possible you are having your PT2 exam. आपके PT2 exam है, उसकी भी preparation आप साथ में करो और घर पे रहो और आपके CWs भी कंप्लीट करने हैं और आपको क्या करना है वीडियोस वॉच करना है. यस स्टूडेंट्स, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज अवर नेबरहुड क्लास फर्स्ट EVS पार्ट 1. नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट दिस चैप्टर इज ओनली फॉर योर सेल्फ स्टडी. ये आपके सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए है. इसके आपको PDF या नोट्स कुछ भी नहीं दिए जाएंगे. ये सिर्फ आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए पढ़ाया जा रहा है. इससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्लास में कोई भी चैप्टर आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका नेबरहुड क्या होता है और उसके नेबरहुड में क्या क्या कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से सराउंडिंग में प्लेसेस होते हैं नेबरहुड में, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर इट, आपको याद रखना है. इस चैप्टर के कोई भी नोट्स, कोई भी PDF कुछ भी आपको नहीं मिलेगा. इट इज़ जस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी, सिर्फ आपके पढ़ने के लिए. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड टेक द पेंसिल ऑल्सो विद यू. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू द रीडिंग बुक. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? चैप्टर नंबर 10, अवर नेबरहुड. नेबरहुड मीन्स आपके आस पास के जो चीज़ें आपको मतलब जो लोग दिखाई देते हैं, मीन्स आपके आजू बाजू में जो प्लेसेस हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड बोलते हैं. अब हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नेबरहुड में क्या पढ़ेंगे? अबाउट द प्लेसेस इन अ नेबरहुड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज प्लेसेस. मतलब आपके घर के आसपास में, आपकी सोसाइटी के आसपास में कौन से लोग हैं, कौन से प्लेसेस हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. इम्पोर्टेंस मीन्स क्यों वो ज़रूरी है हमारे सोसाइटी के आसपास, उन प्लेसेस का होना क्यों ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द नेबरहुड, और आपके नेबरहुड में जो प्लेसेस हैं ना, उनकी आपको केयर कैसे करनी है, वो आपको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो होप यू ऑल हैव ओपन योर टेक्स्ट बुक. आप सबने अपनी टेक्स्ट बुक खोली होगी और आपने चैप्टर नंबर 10 भी ओपन कर लिया होगा. फर्स्ट वी विल सी नेम द प्लेसेस इन दीज पिक्चर्स. अभी ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही है ना, इन पिक्चर्स के आपको क्या करना है? नेम लिखना है. ओके स्टूडेंट, सो हियर व्हाट इज दिस? द गर्ल इज पुटिंग द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स. क्या कर रही है? जो लेटर बॉक्स होता है आपको दिख रहा है रेड कलर का लेटर बॉक्स है, वो उसमें क्या कर रही है? लेटर डाल रही है. ये टाइप की पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स. ये पोस्ट बॉक्स की पिक्चर है. ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क. ये टाइप की पिक्चर है, पार्क की पिक्चर आप देख सकते हो. उसमें पीछे गार्डन दिख रहा है, ट्रीज है यहाँ पे, और बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं. सो द फर्स्ट पिक्चर इज अ पोस्ट बॉक्स एंड द अदर पिक्चर इज अ पार्क. ओके स्टूडेंट, सो राइट हियर पोस्ट बॉक्स एंड राइट हियर पार्क. Now see here, learning letter. The area surrounding our home forms our neighborhood. People living near our home are our neighbors. Now the area surrounding our home, so home forms. अभी हमारे area जो होता है ना, जो surroundings में हमारे जो areas होते हैं, जैसे कि आपके घर के पास में chemist की shop हो सकती है, green grocer की shop होती है, फिर पार्क होता है, नियर बाय हॉस्पिटल होता है, वो सब क्या होते हैं? वो आपका क्या बताते हैं? दे आर रिपेयरिंग या नेबरहुड. उन सबसे आपका नेबरहुड जिसको बोलते हैं ना, हमारे पड़ोस में है, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द नेबरहुड. एंड पीपल लिविंग नियर आवर होम आर आवर नेबर्स. अभी हमारे घर के आसपास में जो लोग रहते हैं, मतलब अभी मान लो हम अपने घर में रहते, हमारे बाजू में कोई अंकल आंटी रहते, फिर उसके बाद में हमारे कोई और मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो वो क्या है हमारे? दे आर कॉल्ड अवर नेबर्स. हम उनको हमारे पड़ोसी बोलते हैं. नेबर्स मीन्स हमारे जो पड़ोस में जो लोग रहते हैं ना, उनको हम अपने नेबर्स बोलते हैं. अब नाउ रीडिंग वर्ड द डिफरेंस, आपको डिफरेंस समझ में आएगा. नेबरहुड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबरहुड? नेबरहुड का मतलब क्या होता है? जो प्लेसेस,
जगह हमारे घर के आसपास हमारी सोसाइटी के पास में जो प्लेसेस होती हैं उसको हम नेबरहुड बोलते हैं, और हमारे घर के पास में मीन्स बाजू बाजू में जो आपके लोग रहते हैं, जैसे अभी आपको माना आपके घर का नंबर हाउस नंबर 15 है, तो हाउस नंबर 16, फिर हाउस नंबर 14, 17, 18, ये सब क्या है आपके नेबर्स हैं, इनमें जो लोग रह रहे हैं हाउसेस में दे आर ऑल योर नेबर्स. ओके स्टूडेंट, सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन नेबरहुड एंड नेबर्स. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. Now here you can see there is a quick question. आपको यहाँ पे दिख रहा है कि quick question है. Do you have friends in your neighborhood? What games do you play with them? अभी ये question पूछा गया है कि do you have friends in your neighborhood? So you will going to give the answer of this question to me in the comment box. आपको इस question का answer मुझे comment box में देना है कि आपके neighborhood में, मतलब आपके जो neighborhood है उसके जो आसपास की places में आपका कोई फ्रेंड है, वहाँ पे कोई फ्रेंड रहता है. व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद देम, उसके साथ में आप कौन से गेम्स खेलते हो, कौन से गेम्स आप उसके साथ खेलना पसंद करते हो, उसके नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन पेज नंबर 47. नाउ हियर यू कैन सी प्लेस इन अ नेबरहुड. अभी जो नेबरहुड में हमारा जो नेबरहुड होता है ना, उसमें कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं नेबरहुड में, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. नाउ हियर यू कैन सी द व्हिच शॉप, यू कैन सी हियर दिस इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको दिख रहा है. यहाँ पे क्या मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं और फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं. ये क्या है, केमिस्ट्री शॉप. केमिस्ट्री मीन्स यहाँ पे हमें, अगर हम बीमार हो जाते हैं, हमारे घर पे कोई बीमार है, हमें उसके लिए मेडिसिन लेनी है, दवाइयाँ लेनी है, हम कहाँ जाएंगे, केमिस्ट्री शॉप में जाएंगे. ये कौन सा शॉप है, दिस इज अ स्टेशनरी शॉप. कौन सा शॉप है, स्टेशनरी शॉप. स्टेशनरी शॉप में आपको क्या मिलता है, आप जाते हैं ना, आपके पास पेंसिल खत्म हो गई, इरेजर खत्म हो गया, नोटबुक नहीं है, या फिर आपको ड्राइंग बुक लेनी है, या आपको कोई और आपके स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए है, तो आपको कहाँ मिलेगी, स्टेशनरी शॉप में मिलेगी. ओके स्टूडेंट, सो नाउ फर्स्ट वी विल डू द रीडिंग बुक. अ नेबरहुड हैज सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस. अब जो हमारा नेबरहुड होता है ना, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती हैं. अब कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं वो, अ मार्केट हैज शॉप्स विच सेल मेनी थिंग्स, देयर आर स्टेशनरी शॉप्स, केमिस्ट शॉप्स एंड वेजिटेबल सेलर्स इन अ मार्केट. नाउ व्हेन यू विल गो नियर बाय मार्केट, अभी आप पास के कोई मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी शॉप्स देखने को मिलती है. मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो अलग अलग चीज़ें बेच रही होती हैं, अलग अलग सामान की अलग अलग शॉप्स होती है. ओके स्टूडेंट, सो देयर आर स्टेशनरी शॉप. स्टेशनरी शॉप होती है मतलब जहाँ पे हमें पेंसिल, इरेजर, पेन, बुक्स, नोटबुक्स, मीन्स द आइटम्स विच आर रिलेटेड टू अवर स्टडीज, स्टडीज से पढ़ने लिखने से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें कहाँ मिलती है, स्टेशनरी शॉप में मिलती है. केमिस्ट शॉप, केमिस्ट शॉप मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हो दिस इज अ केमिस्ट शॉप. तो केमिस्ट शॉप में हमें क्या मिलते हैं, वी गेट द मेडिसिन. हमें कोई भी दवाइयाँ चाहिए, हमें चोट लग जाती है उसके लिए कोई एंटीसेप्टिक चाहिए है, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कोई भी मेडिसिन लानी है, तो हम वहाँ से लाएंगे फ्रॉम द केमिस्ट शॉप. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन, वेजिटेबल सेलर्स. अभी हम मार्केट में जाते हैं, हमें वेजिटेबल्स चाहिए है, तो हम कहाँ से लेंगे, वहाँ पे वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की जो शॉप होती है ना, वहाँ से हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वहाँ से ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द प्लेसेस वी फाउंड इन द मार्केट विच इज नियर अवर सोसाइटी, विच इज इन अवर नेबरहुड. जो मार्केट हमारे नेबरहुड में होता है वहाँ पे हमें ये शॉप्स देखने को मिलती है. नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ प्लेग्राउंड. ओके स्टूडेंट, पार्क, हम उसको पार्क बोलते हैं. वॉकिंग
job. Now, children play in the neighborhood park. कभी आपके घर के पास में आप जिस सोसाइटी में रहते हो, मैक्सिमम सोसाइटीज में ऐसा होता है कि थोड़ी दूर पे ही पार्क बना हुआ होता है कि उस सोसाइटी के बच्चे जाके वहाँ पे पार्क में खेल सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं पार्क में इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ गर्ल्स क्या कर रही हैं स्विंग में झूला झूल रही हैं, दे आर हैविंग द स्लाइड्स ऑल्सो, स्लाइड मीन्स आप ऊपर चढ़ के उसमें से नीचे आते हो ना, स्लाइड कर रहे हो, दैट आर कॉल्ड द स्लाइड। एंड और आपके साथ जो भी बड़े लोग जाते हैं, मीन्स आपकी मम्मी हो गई, आंटीज हो गई, पेरेंट्स हो गए, जो भी जाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है रास्ता भी बना हुआ है, देख सकते हैं एक पार्क बना हुआ है फॉर वॉकिंग और जॉगिंग, जिसको चलना है वॉक करना है वो वॉक कर सकते हैं, और जिनको जॉगिंग ऐसे ऐसे करके जॉगिंग करते हैं ना वो जॉगिंग भी वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द प्लेस इन द नेबरहुड विच इज कॉल्ड द पार्क, एंड पार्क में कौन कौन खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं और पेरेंट्स दे कैन डू द जॉगिंग एंड दे कैन ऑल्सो डू द वॉकिंग। Now here you can see the question. What's the question? Do you know what a stamp is? Find out. Now, आपको पता है stamp क्या होता है? अभी आज के time में हम बहुत सारे letters और वो सब नहीं देखते, क्योंकि अब आजकल क्या हुआ mobiles आ गए हैं, तो हम सारे messages mobile से भेज देते हैं। In olden days, पहले के time में भी जब आपके parents छोटे होंगे उस time पे क्या होता था, letters चलते थे और letters के ऊपर ऐसा स्टैम्प लगाते थे, उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बने होते थे, 50 पैसे का, 25 पैसे का ऐसा स्टैम्प होता था, वो क्या करते थे उसको लेटर के ऊपर स्टिक करते थे, उसको चिपकाते थे, तभी वो लेटर दूसरी जगह पे पहुंचता था, तो दैट टिकट इज कॉल्ड अ स्टैम्प, उसको हम स्टैम्प बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन पेज नंबर 48। Yes. Now here you can see what is that this picture is. You can see the picture. ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? You can see it. Yes, read it. Yes, very good. This is a post office. ये कौन सी picture है? This is a picture of a post office. We go to the post office to send letters and postcards to our friends and family members. We can also buy stamps, envelopes and postcards from the post office. Now, जब भी हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, हम पोस्ट ऑफिस का काम, पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है, हमें किसी को लेटर भेजना है, हमें किसी को पोस्ट कार्ड्स में भेजना है या किसी को इन्विटेशन भेजना है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया ना कि आज के टाइम में क्या है, सारी चीज़ें हम मोबाइल के थ्रू भेज देते हैं, व्हाट्सएप में पिक दिया, डाला और भेज दिया, सो इट बिकम इजियर। बट इन बिफोर, पहले के टाइम में कैसा था, मीन्स वेन योर पेरेंट्स वेर स्मॉल, तब उस टाइम पे क्या था कि वहाँ पे पहले लेटर्स लिखे जाते थे, कोई भी मैसेज देना है लेटर्स लिखते थे, पोस्ट कार्ड्स में लेटर्स लिखते थे और मैसेज किसके पास में, अपने फ्रेंड्स के पास में, रिलेटिव्स के पास में उसको भेजते थे। उसके लिए कहाँ जाना पड़ता था, दे हैव टू गो इन द पोस्ट ऑफिस, हमें पोस्ट ऑफिस में जाके वो लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल के सेंड करना होता था। वी कैन ऑल्सो बाय, अब हमें पोस्ट ऑफिस में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, स्टैम्प्स मीन उसके ऊपर लगाने के लिए टिकट्स होते हैं वो, एनवेलप्स, अभी एनवेलप्स कैसे होते थे पहले, एनवेलप क्या होता है, अभी आप मैरिजेस और मैरिजेस में जाते तो आप देखते हैं ना आपकी मम्मी वहाँ पे किसी को मनी देना होता है, जैसे एज अ गिफ्ट उनको अगर मनी देना है तो वही कवर खरीदती है, वैसा ही एनवेलप होता था। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड कैसे होते थे, येलो कलर का पोस्ट कार्ड होता था, और वो पोस्ट कार्ड कैसे होते थे, पोस्ट कार्ड क्या होते थे, उस पर हम छोटे शॉर्ट मैसेजेस लिख के हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेज सकते थे, और ये सारी चीज़ें हम कहाँ से खरीद सकते हैं, वी कैन बाय इट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हम इसको पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया ना कि पोस्ट ऑफिस क्या है, अभी पोस्ट ऑफिस का यूज बहुत कम हो गया, व्हाई, बिकॉज वी ऑल आर यूजिंग द मोबाइल, सारी चीज़ें हम मोबाइल के थ्रू ही भेज देते, पर अभी भी हमें कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं या हमारे पास किसी का ऑफिस से या कंपनी से कोई भी मैसेज आना होता है तो वो बाय कैसे आता है, इफ़ इट कम बाय कोरियर तो वो हमारे के कहाँ से आता है, इट कम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट व्हाट इट इज, हियर यू कैन सी व्हाट द पिक्चर ऑफ अ
police station and this a policeman is standing outside and this is a van, this is a vehicle of a police. जिसके ऊपर पुलिस लिखा हुआ होता है, आप कभी रोड पे जा रहे होते हो तो आप देखते हो ना कि कोई गाड़ी जा रही होती है और उसके ऊपर पुलिस लिखा होता है और ये सायरन जो होता है ना वो सायरन बज रहा होता है, तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि हम क्या है, ये पुलिस की वैन जा रही है यहाँ पे. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल रीड इट. सम नेबरहुड्स आल्सो हैव अ पुलिस स्टेशन. द पुलिस ऑफिसर्स हेल्प टू कीप द नेबरहुड सेफ. नाउ सम नेबरहुड्स मतलब सब जगह नहीं होता है कि मतलब हर सोसाइटी के बाहर नेबर पुलिस स्टेशन होता है, पर कुछ सोसाइटीज के बाहर में क्या होता है, पुलिस स्टेशन भी होते हैं. तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में या कुछ भी है तो दे कैन इजीली कॉल द पुलिस, फटाफट पुलिस आके वहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द पुलिस ऑफिसर्स हैव टू कीप द नेबरहुड सेफ. अब पुलिस ऑफिसर्स क्या काम करते हैं, वो हमारे नेबरहुड को सेफ रखते हैं. सेफ रखना मीन्स कोई भी कोई चोर ना घुस जाए, किसी की आपस में लड़ाई हो जाए या कोई भी किसी को मार के ना चला जाए, ये सब चीज़ें देखना किसका काम है. दिस इज द वर्क ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. सो दे द वर्क ऑफ पुलिस ऑफिसर इज टू कीप द सिटी एंड द नेबरहुड मीन्स वेर एवर दे आर देर इज अ पुलिस स्टेशन दे हैव टू कीप दैट एरिया सेफ. दैट इज देयर वर्क. ओके स्टूडेंट, सो सी what it is written here, we should not disturb our neighbors. Now this is very important thing to do. अभी आप छोटे हो ना तो आपको भी ये बात जल्दी समझ में नहीं आती होगी, पर मम्मी आपको बार बार आप बाहर खेलने जाते हो या दोपहर का टाइम आप जाते हो तो मम्मी बार बार बोलती है ना कि अभी नहीं जाओ, चलो अभी घर पे रहो, किसी को डिस्टर्ब मत करो, बाहर जाओगे खेलोगे हल्ला करोगे तो पड़ोस में लोगों को तकलीफ होगी. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट. आपको ये बात समझनी चाहिए कि वी शुड नॉट डिस्टर्ब अवर नेबर्स. हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नेबर्स को डिस्टर्ब परेशान नहीं करना है. अभी तो क्या होता है हमारे नेबर्स में कुछ ओल्ड पीपल्स भी रहते हैं, मतलब जिन उम्र में जो बड़े होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, या कोई बीमार होता है तो हम अगर जाके दोपहर के टाइम पे खेलेंगे जिस समय वो आराम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उनको परेशानी होगी एंड दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. ये अच्छी बात नहीं है. सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब अवर नेबर्स. हमें अपने नेबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है. आपका जब टाइम हो खेलने का तब आप खेलो, उस टाइम पे वो भी क्या करते हैं, वो भी कुछ अपने घर के अंदर कुछ वर्क कर रहे होते हैं तो उससे उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा. पर अगर उनके सोने का टाइम है, आराम करने का टाइम है, उस टाइम पे आप खेलोगे तो क्या होगा, दे विल गेट डिस्टर्ब और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको निकल के बाहर डांटेंगे या आपको चिल्लाएंगे तो वो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा. सो बेटर टू नॉट टू डिस्टर्ब द नेबर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट वन. What is next? You can see here the picture of a hospital. Okay, so this here, you can see it. Which is a picture? It is a picture of a hospital. And you all know what we do in the hospital. Hospital में क्या होता है? हम hospital क्यों जाते हैं? We go to the hospital for our treatment. हम अपने treatment के लिए hospital जाते हैं. स्टूडेंट, अभी आप देख सकते हो ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ नर्स, दिस इज अ एम्बुलेंस. ये एम्बुलेंस है, कोई सिक है, कोई ज्यादा बीमार है तो उसको हम हॉस्पिटल का ही नहीं कहेंगे, वी विल ब्रिंग दैट पर्सन इन द एम्बुलेंस और दिस आर द पेशेंट्स. ये पेशेंट्स हैं, ये क्यों गए हैं हॉस्पिटल, बिकॉज दे आर सिक एंड दे आर पेमेंट फॉर द ट्रीटमेंट. वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कहाँ गए हैं, हॉस्पिटल में गए. Okay, student. Now, we go to the hospital when we are sick or injured. Now, हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं, हमें सर्दी खांसी होती है, बुखार हो जाता है, हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती, तब जाते हैं. और injured, injured means चोट लग गई, ज़्यादा चोट लगी तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, we have to go to the hospital. Okay, student. So, or if we met with an accident, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसका ट्रीटमेंट घर में नहीं हो पाएगा. सो वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. देयर आर डॉक्टर एंड नर्सेज इन अ हॉस्पिटल. अब हॉस्पिटल में कौन कौन होते हैं, मेनली देयर आर डॉक्टर एंड नर्सेज. डॉक्टर्स होते हैं और नर्सेज होती हैं, वो क्या करते हैं, हमारे को जब हम बीमार होते हैं तो हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमें ट्रीट करते हैं. डॉक्टर हमें क्या करते हैं, दवाइयाँ, हमें देखते हैं हमें क्या प्रॉब्लम है और वो हमें
ज्यादा हो गया, डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप आपको आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा, तो आपको हॉस्पिटल में कौन टेक केयर करता है? नर्सेस यूज टू टेक केयर ऑफ योर यू इन द हॉस्पिटल. नाउ हियर दिस नोइंग इज फन. सम नेबर्स ऑल्सो हैव बैंक्स. बैंक्स कीप अवर मनी एंड वैल्यूएबल सेफली. अभी नेबरहुड में क्या होते हैं, बैंक्स होते हैं. बैंक्स आपको पता है, आपने सुना होगा मम्मी बोलती है पापा को कि भाई बैंक से पैसे निकाल लाना या पैसे रखे बैंक में रख के आना. तो बैंक में हम क्या रखते हैं, अपने मनी रखते हैं और वैल्यूएबल थिंग्स होती है, मतलब कभी कोई लोग डॉक्यूमेंट्स रखते हैं. मम्मी का गोल्ड होता है, वो भी कहाँ रखा जाता है, बैंक में रखा जाता है. ओके, सो व्हाट आर द वैल्यूएबल वैल्यूएबल्स सेफली, मतलब वैल्यूएबल्स क्या होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है या कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो हम कहाँ रखते हैं, वी कीप इन द बैंक. इन केस देयर इज अ फायर, द फायर ब्रिगेड इज कॉल, दे पुट आउट द फायर एंड सेव लाइफ. अगर कहीं पे आग लग गई है तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड्स को बुलाते हैं. फायर ब्रिगेड्स वाले क्या करते हैं, दे कम एंड दे यूज टू पुट आउट द फायर. तो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं उनके पास, तो उसमें पानी भरा हुआ पानी टैंकर होता है, टैंकर से वो पाइप कनेक्टेड होते हैं और वो पानी डाल डाल के आग को बुझा देते हैं. आपने देखा होगा ना, कभी आपने टीवी में देखा होगा या फिर कहीं न्यूज में दिखाया जाता है कि यहाँ पे आग लग गई थी तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड बुला के उसको बुझाया गया. ओके, दे पुट आउट द फायर एंड सेव लाइफ. अब वो क्या करते हैं, पानी डाल के आग को बुझा देते हैं और वो वहाँ पे उस लोगों की जान को बचा देते हैं. ओके स्टूडेंट, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पार्ट वन. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाइसली, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now I am going to ask you one question. Hope you will give the answer. What is the sign put it over the hospital? Hospital के ऊपर कौन सा sign बना हुआ होता है जिसको आपको देख के समझ में आता है कि यह hospital है, और what is the color of that sign? The sign का color क्या है? Okay student? So again I am repeating the question. What is the sign put it over the hospital? Hospital के ऊपर जो building होती है ना, उसके ऊपर एक sign बना हुआ होता है जिसको देख के हमें पता चलता है कि यह hospital है. And what is the color of that sign? Okay student? And where from which shop you will buy the pencil, erasers, books, notebook related to your studies? Means आप कौन सी shop पे जाके आपके स्टडीज से रिलेटेड चीज़ें खरीदते हो, जैसे कि पेंसिल, इरेजर, बुक्स, नोटबुक, कौन सी शॉप से खरीदते हो उसका आपको नाम मुझे बताना. सो आई हैव आस्क्ड यू द टू क्वेश्चन. होप यू विल रिप्लाई द आंसर एंड आई अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द आंसर. ओके स्टूडेंट, सो एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अल्लाह हाफिज़.